रिकॉर्ड 17 बहन बेटियों के साथ रोजाना दुष्कर्म होता है, क्या यह गलत है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री वीडियो आने का इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? आप बात पुलिस उनके साथ है, राठौड़ की बात, गृहमंत्री वो है, अपने गृह जिले की रक्षा तो वो कर नहीं सकते, राजस्थान की रक्षा वो क्या करेंगे? आज सबके सामने खड़े होकर कहा कि सदन में सरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 164(2) के तहत एक मंत्री बोलता है, ये माना जाता है पूरी सरकार बोले। और आपने भी देखा होगा कई बार जो विभाग के मंत्री नहीं रहते तो कोई भी मंत्री उठकर बात करता है, और जब हम कहते हैं कि आप क्यों बात कर रहे हैं तो कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात मैंने भी कही थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई असलियत कहेगा, महिला दुष्कर्म के बारे में कहेगा, तो वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को अच्छा नहीं लगेगा। अगर कोई सच्चाई कहेगा वो भी अच्छा नहीं लगेगा। ये पहला मौका है विधानसभा में गुड़ा जी ने कहा और उनको बर्खास्त किया। यही मुख्यमंत्री जी गुड़ा जी के पुत्र के जन्मदिवस पर गए थे इनके गांव में और ये कह के आए थे कि अगर आप नहीं होते गुड़ा जी तो मेरी सरकार नहीं होती। आज उन्होंने यकाएक बर्खास्त किया। मैं समझता हूँ कि एक कलई खुल गई है कि कांग्रेस अब आंतरिक लोकतंत्र में भी विश्वास नहीं करती और कांग्रेस में अब महिला दुष्कर्म और महिला बलात्कार पर बात करना अब टेढ़ी खीर होगी। ये बात करना उनको नागवार गुजरा है। सर, आपको लगता है इंटरनल डेमोक्रेसी आंतरिक लोकतंत्र? आंतरिक लोकतंत्र तो कांग्रेस में कभी था ही नहीं, पर कांग्रेस में सिर्फ पटोवल इसलिए हो गई। गुड़ा जी जब गहलोत साहब के साथ थे तब तो बहुत अच्छे थे और गहलोत साहब उनके पुत्र के जन्मदिवस तक चले गए, और गुड़ा जी ने जब पेपर लीक के मामले के अंदर सरकार के को ललकार रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री के साथ वो मंच पर चले गए तो वो दूसरे हो गए। ये निपटाओ अभियान कांग्रेस को निपटाएगा। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार चरम पर है, महिला दुष्कर्म चरम पर है, कमीशन चरम पर है, सरकार का अलाइनमेंट खराब है। भाई साहब एक मिनट।